एक ऐसा नायाब एपिक जिसके लिखने की दास्तां शायद उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि एपिक की स्टोरी। औरत और काउज यानी गायें की यही किस्मत है। अब यत्र गाथाम गायंती ये पुराण विदो जनाः। एडिशनल 65,000 वर्सेस कहाँ से आए? यानी कुछ सीख ले लो पाठ, सिर्फ ब्राह्मिन्स का है पति से दूसरे पति के वंश के बीच में डिफरेंस हो सके। भाई उन्होंने लिखवाया, पैसे उन्होंने दिते, ते प्रेज भी उन्होंने होगी ना, तुम एवं जलस हो जाते हो। रुचिका द हिस्टोरियन या रुचिका द कॉन्स्पिरसी थियोरिस्ट। 900 BCE की सोसाइटी को 500 BCE की सोसाइटी की मोरालिटी से मिलाया जा सके कि क्या महाभारत का वॉर सच में हुआ था? बहुत बढ़िया स्टोरी है, पक्का पक्का हुई होगी। एक ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी नरबलि जरूर देनी चाहिए। जगुर गीतानी गायका कुरु वंशस्थ वार्थानी, आपस में बांट लो या That's not gonna be good. को अपनी हर प्रेयर के लिए एक पति मिला है। ओके, बैटल ऑफ द 10 किंग्स में चैरियटियर बार्ड्स थे, ओरली कंपोज किया गया। एक मिनट, स्टोरी में तो औरत को जोर जबरदस्ती लेकर जा रहे थे, हरिवंश में रोमन दिनारी। हेलो हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा रोमन इतिहास के 27वें एपिसोड में। मैं हूं रुचिका डॉक्टर रुचिका शर्मा, मैं पेशे से एक इतिहासकार हूँ और इतिहास की टीचर भी हूँ। मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के वीडियो के टॉपिक से जुड़ी सारी सोर्सेज की लिस्ट भी मौजूद है, अगर आप मुझे फैक्ट चेक करना चाहें या फिर अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें। आइए इंट्रोड्यूस करते हैं आज का टॉपिक। पिछले काफ़ी हफ्तों पहले, मैंने काफ़ी समय से वीडियो नहीं बनाया है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, पर कुछ हफ्तों पहले मैंने एक पोल रखा था अपने चैनल पे, जहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि आप इस एपिसोड में किस टॉपिक को देखना चाहते हैं। तो अधिकांश लोगों ने, जैसा कि आप देख सकते हैं, चूज़ किया था कि महाभारत कैसे लिखी गई। तो आज हम बात करेंगे कि महाभारत कैसे लिखी गई। एक ऐसा नायाब एपिक जिसके लिखने की दास्तां शायद उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि एपिक की स्टोरी। और हर इंटरेस्टिंग दास्तां की तरह ही इसकी लिखने की दास्तां भी काफ़ी लंबी रही है। 9th सेंचुरी BCE से स्टार्ट होकर 4th सेंचुरी AD तक, और वहाँ भी नहीं रुकती क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे ट्रांसलेशंस, काफ़ी सारे रेंडिशंस, और आज भी प्लेस से लेकर सीरियल से लेकर मूवी से लेकर बुक्स में महाभारत के नए नए पर्सपेक्टिव्स पनपते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे लिखी गई महाभारत इस ब्राउन स्मोकी आई के साथ। चले फिर, तो सबसे पहले महाभारत है क्या? महाभारत एक काव्य और इतिहास है जिसे पहले सुता या सूत्रधार द्वारा ओरली कंपोज किया गया, यानी मौखिक रूप से कंपोज किया गया, और उसके बाद यजुर्वेदी ब्राह्मिन्स द्वारा लिखा गया। ये सुता और सूत्रधार कौन थे और हमें कैसे पता चलता है कि महाभारत को पहले ओरली कंपोज किया गया और बाद में लिखा गया? सूत्रधार, जिसका प्राकृत है सुता, चैरियटियर बार्ड्स थे जो राजा को मैदानी जंग में अकंपनी करते थे। इन्हें वहाँ अकेले नहीं भेजा जाता था, इनके साथ एक योद्धा यानी एक बॉडीगार्ड भी भेजा जाता था इनकी रक्षा के लिए। लेकिन इन्हें मैदानी जंग में क्यों लेकर जाया जाता था? ताकि ये जंग को देख सकें और इसकी गाथा बाद में लोगों को सुना सकें। जैसे कि राजा ने जंग कैसे जीती, कितनी भीषण थी ये जंग, और ये सब वो ना केवल एक आई विटनेस के तौर पे बताते थे बल्कि एक पोएट के तौर पे भी, जहाँ राजा की छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता था। बस ये गाथा ना केवल राजा की पावर का बखान करती थी बल्कि एक रिकॉर्ड के तौर पर भी बार बार गाई और दोहराई जाती थी। और ऐसे ही सूत्रधार की रचना है महाभारत की कहानी, और ये बात हमें महाभारत खुद भी बतलाती है, जहाँ संस्कृत में लिखा है अब यत्र गाथाम गायंती ये पुराण विदो जनाः, यानी वो जो पुरानी गाथा जानते हैं इस गाथा को सुनाते हैं। महाभारत में अलग अलग जगह और भी ऐसे इंसर्शंस हैं, जैसे कि 800 सुता ने उस हीरो का बखान किया, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये स्टोरी पहले ओरली कंपोज्ड हुई थी सूत्रधार द्वारा, जिससे फिर बार बार गाया और दोहराया गया। सूत्रधार ने इस स्टोरी को कब कंपोज किया ये बताना थोड़ा मुश्किल है, पर इसके नाम में ही शायद हमें इसकी पॉसिबल डेट मिल सके। महाभारत
जो भारता वॉर को डिस्क्राइब करती है। भारता एक ट्राइब थी जिसके चीफ सूदास ने बैटल ऑफ द टेन किंग्स में एक पावरफुल ट्राइबल संगठन को हराया था, ऐसा ऋग्वेद में बतलाया गया है। और इस बैटल की डेट यूजुअली 900 BCE की मानी जाती है। हालांकि हो सकता है कि ये वॉर यानी बैटल ऑफ द टेन किंग्स उससे भी पुराना हो, क्योंकि ऋग्वेद की कॉम्पोजिशन 1500 BCE से मानी जाती है और महाभारत में ही ये ट्राइब मेंशन्ड है, जो कि कुरु ट्राइब का सबक्लैन बताई गई है। हालांकि ऋग्वेद के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन गलत है, क्योंकि ऋग्वेद में भारता क्लैन का एक और क्लैन पुरु क्लैन से मिलन कुरु क्लैन और किंगडम को जन्म देता है। व्हाट? आई नो, वेरी कंफ्यूजिंग, बट फियर नॉट, आई एम हियर। इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली कि महाभारत की भारत ट्राइब एसोसिएशन उसकी ओरल स्टोरी यानी सूत्रधार द्वारा रचित स्टोरी को 900 BCE से लेकर 1500 BCE के बीच में प्लेस किया जा सकता है। दूसरा, ये साफ हो जाता है कि इस ओरल स्टोरी को बाद में कुरु क्लैन के वंशज ने इतिहास मानकर लिखवाया, तभी तो वो अपने आप को भारत क्लैन का फादर ट्राइब बताते हैं। इनफैक्ट कुरु ट्राइब ही रीजन है कि महाभारत को इतिहास बताया गया। लिखा गया है कि जगुर गीतानी गायकाः कुरु वंशस्थ वार्थानी, जिसका मतलब होता है कि गवैये यानी सिंगर्स ने गीत गाए जो कुरु वंश का बखान करते हैं। ये बात महाभारत आपको हर पर्व में 10 से 12 बार बता देती है। जहां अगर किसी पांडु वंश के हीरो का भी बखान हो रहा हो, वहां लिखा जाता है कि ये वास्तव में कुरु क्लैन की ही प्रेज है। भाई, उन्होंने लिखवाया, पैसे उन्होंने दिते, ते प्रेज भी उन्होंने ही होगी ना, तुम एवं जलस हो जाते हो। ऑल्सो आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बैटल ऑफ द टेन किंग्स ही महाभारत की असली कहानी है? ऐसा काफी स्कॉलर्स भी मानते थे, जैसे कि माइकल विट्ज़ल, जिन्होंने आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पर ब्रिलियंट लिंग्विस्टिक एविडेंस दिया है, पर यहां चूक गए। अगर आपने आर्यन माइग्रेशन वाला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसे यहां लिंक कर देती हूं, आप देख सकते हैं। विट्ज़ल को काफी स्कॉलर्स ने काउंटर किया, क्योंकि बैटल ऑफ द टेन किंग्स की डिस्क्रिप्शन भारत वॉर की डिस्क्रिप्शन यानी महाभारत की डिस्क्रिप्शन से मेल नहीं खाती, जिससे ये पूछना लाजमी हो जाता है कि क्या महाभारत का वॉर सच में हुआ था। डिपेंड करता है कि आप ये सवाल किससे पूछ रहे हैं, रुचिका द हिस्टोरियन या रुचिका द कॉन्स्पिरसी थ्योरिस्ट। अगर कॉन्स्पिरसी थ्योरिस्ट से सवाल है तो बिग यस, बहुत बढ़िया स्टोरी है, पक्का पक्का हुई होगी। बट द हिस्टोरियंस आंसर इज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग। वी हैव नो एविडेंस टू प्रूव कि महाभारत का वॉर असल में हुआ था। एट द एंड ऑफ द डे ये एक फिक्शनल स्टोरी ही है। खैर, ओरिजिनल सुतास की स्टोरी का एक डेट फ्रेम मिल जाने से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है, ये कि ये स्टोरी किस समाज की रीति रिवाजों को समेटती है। ये ओरिजिनल स्टोरी फिर अपने आप में 900 BCE से 1500 BCE के बीच के समाज की एक सोशल हिस्ट्री प्राइमर बन जाती है, क्योंकि हर फिक्शन अपनी सोसाइटी और अपनी सोसाइटी की मोरालिटी से जुड़ा रहता है। ये तो हो गई ओरिजिनल स्टोरी की बात, लेकिन इसे लिखा कब, क्यों और कैसे गया? क्यों का अंदाजा तो हमें लग चुका है। कुरु किंगडम के वंशज अपने इतिहास यानी अपने पास्ट को रिकॉर्ड करना चाहते थे, पर कब? दो चीजों से कब का पता चलता है। एक तो ग्रीक्स के भारत आने के बाद, क्योंकि वर्ड्स जैसे कि यवना महाभारत में मौजूद है, जो आयोनियन वर्ड से आया है और संस्कृत में इसका मीनिंग डेरोगेटरी है यानी आउटसाइडर्स, ज्योग्राफिकली नहीं, आउटसाइडर टू द कास्ट फोल्ड, जो कि स्पेसिफिकली ग्रीक के लिए यूज होता था, ग्रीक्स के लिए यूज होता था, पर जनरली बाकी आउटसाइडर्स के लिए भी। दूसरा, कुरु किंगडम 5th century BCE के करीब 16 महाजनपदों में से एक था। महाजनपद सिटी स्टेट्स थे जो कि काफ़ी पावरफुल थे
इस समय। कुरु के अलावा पांचाल किंगडम, जो महाभारत में द्रौपदी का मायका है, भी एक महाजनपद था। स्कॉलर्स मानते हैं कि इन दो महाजनपद यानी कुरु और पांचाल के राइज के समय ही उन्होंने इस एपिक की रिकॉर्डिंग शुरू करवाई, जहां यजुर्वेदी ब्राह्मिन्स को इसे लिखने का टास्क मिला। यजुर्वेद तीसरा वेद है और महाभारत बतलाती है कि इतिहास टेक्स्ट यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। प्लस जो उपनिषद इस टेक्स्ट में कॉपी किए गए हैं वो भी यजुर्वेद को ही बिलोंग करते हैं। उपनिषद्स, अगर आप नहीं जानते, आर एडिशंस टू द वेदस। यूं लिखना शुरू हुई महाभारत। स्कॉलर्स के हिसाब से ओरिजिनल स्टोरी यानी सूत्रधार की स्टोरी लिखित वर्जन का सिर्फ 1/4 है। 10,000 वर्सेस जो ओरिजिनल स्टोरी थे 5th century BCE से जो लिखना शुरू हुए 4th century AD तक 75,000 वर्सेस बन गए। तो ये एडिशनल 65,000 वर्सेस कहाँ से आए? महाभारत दो हिस्सों में बटी है, ड्रामेटिक नैरेटिव यानी सूत्रधारों की ओरिजिनल स्टोरी जिसमें सब एक्शन है, और दूसरा डायडैक्टिक सर्मन्स यानी शिक्षाप्रद बातें, जैसे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है टाइप्स। अगर सारा स्टोरी पार्ट सूत्रधारों का है तो क्या सारा डायडैक्टिक पार्ट यानी कुछ सीख ले लो पार्ट सिर्फ ब्राह्मिन्स का है? नहीं, ये मान लेना कि सूत्रधारों की स्टोरी में कोई मॉरल वैल्यू नहीं थी बिल्कुल गलत है। पर जो मॉरालिटी सूत्रधारों ने इस कहानी में डाली वो तो 900 BCE से 1500 BCE की ही थी, लेकिन लिखा इसे 5th century BCE से गया और सोसाइटी इस अंतराल में काफ़ी बदल गई थी, इसीलिए अधिकांश डायडैक्टिक पोर्शन ब्राह्मिन्स ने ही डाले हैं ताकि 900 BCE की सोसाइटी को 500 BCE की सोसाइटी की मोरालिटी से मिलाया जा सके। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है महाभारत में भरपूर मात्रा में मौजूद पॉलियांड्री, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉलियांड्री महाभारत में द्रौपदी की है। पॉलियांड्री क्या होता है? हैविंग मेनी हस्बैंड्स, एक से ज़्यादा हस्बैंड एक ही समय पर होना, जो कि द्रौपदी के थे 5 पांडव। लेकिन द्रौपदी का ब्याह सबसे पहले तो एक ही पांडव से हुआ था, अर्जुन से, जिन्होंने उनका स्वयंवर जीत लिया था, और जब बाद में उनकी बाकी 4 पांडवों से भी शादी हुई तब उसके लिए 3-3 जस्टिफिकेशंस क्यों मौजूद है महाभारत में? स्कॉलर्स के हिसाब से जब सूत्रधार की ओरिजिनल स्टोरी कंपोज हुई तब पॉलियांड्री सोसाइटी में काफ़ी आम थी। ये इस बात से भी प्रूव होता है कि महाभारत में सिर्फ द्रौपदी ही नहीं और भी औरतों की पॉलियांड्री मौजूद है, जैसे कि सत्यवती की शादी शांतनु और व्यास के फादर से। व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है, फिर अंबिका और अंबालिका के दो दो पार्टनर्स विचित्रवीर्य और व्यास खुद, कुंती के 5 पार्टनर्स पांडु इंद्र वायु धर्म और सूर्य, और माद्री के 3 पार्टनर्स 2 अश्विन कुमार और पांडु। इन सब के लिए काफ़ी सारे जस्टिफिकेशंस हैं महाभारत में इनको एक्सेप्शनल केसेस बताने के लिए, जिससे ये साफ हो जाता है कि जब महाभारत लिखी गई तब के समाज में पॉलियांड्री को मान्यता नहीं थी, इसीलिए ये ज़रूरी था कि लिखा जाए। जब द्रुपद पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रखवाया, जो कि अपना वर यानी हस्बैंड चूज करने का एक कंपटीशन होता था, तब द्रुपद ने काफ़ी लोगों को आमंत्रित किया मत्स्य भेदन के लिए, यानी पानी में मछली के अक्ष को देखते हुए उसकी आंख पर तीर का निशाना लगाने का नियर इम्पॉसिबल टास्क। इस प्रक्रिया को मुगल बादशाह अकबर के एक होनहार आर्टिस्ट दाशवंत ने एक अद्भुत पेंटिंग में दर्शाया है। मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आपने वो ना देखा हो तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और ये नियर इम्पॉसिबल टास्क अर्जुन पूरा कर लेते हैं और द्रौपदी से उनका ब्याह हो जाता है। बाकी पांडव खुशपाश अर्जुन द्रौपदी के साथ घर लौटते हैं और उनकी माता कुंती से कहते हैं कि देखो माँ हम क्या लाए, तो वो बिना देखे कहती हैं कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। या दैट्स नॉट गोना बी गुड। बाद में कुंती को अपनी गलती का एहसास होता है,
पर माँ की बात को टाला नहीं जा सकता, इसीलिए द्रौपदी का पॉलियंड्रस यूनियन करवाया जाता है। द्रुपद द्रौपदी के पिताजी को जब ये बात पता चलती है तो वो काफ़ी गुस्सा होते हैं, विच इज लेजिटिमेट, आई एम ग्लैड ही इज एंग्री, दिस इज नॉट ओके, एंड दैट्स व्हाट ही सेज, ये सरासर नाइंसाफी है। तो ऋषि व्यास, जिन्हें महाभारत का रचयिता भी माना जाता है, उन्हें समझाते हैं कि पांचों पांडव इंद्र का रूप है और द्रौपदी इंद्र की बीवी शची का रूप है, तो ये यूनियन उचित है। ओके देन, बाद में व्यास एक आखिरी एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि अपने पिछले जन्म में एक कुंवारी लड़की ने पौराणिक भगवान शिव को अच्छे पति के लिए 5 बारी प्रेयर की थी, वो लड़की इस जन्म में द्रौपदी है और उसको अपनी हर प्रेयर के लिए एक पति मिला है। ओके, इतने इलैबोरेट, ऑकवर्ड और बड़े ही ऑब्वियस जस्टिफिकेशंस 2 अलग-अलग टाइम पीरियड्स की सेंसिबिलिटीज का बयां करती हैं। द्रौपदी की पॉलियंड्री में ये बताना भी लाजमी समझा गया है कि शंखरा यानी मिक्सिंग नहीं हो रही। आमतौर पे ये शब्द वर्ण शंखर में यूज होता है, यानी मिक्सिंग ऑफ कास्ट्स, पर द्रौपदी के केस में यहाँ पैट्रिलिनी की मिक्सिंग की बात हो रही है। तो शंखर अवॉइड करने के लिए द्रौपदी का हाइमन यानी उसकी वर्जिनिटी अर्थात कुवारापन हर महीने रिस्टोर हो जाता था, ताकि जब वो एक पति से दूसरे पति के पास जाएं तो दोनों पति की ब्लड लाइन प्योर रहे, जिससे कि एक पति से दूसरे पति के वंश के बीच में डिफरेंस हो सके। ये इतना इलैबोरेट अरेंजमेंट सिर्फ इसीलिए ताकि 5th century BCE से लिख रहे ब्राह्मिन्स पॉलियंड्री, जो अब लुप्त हो चुकी थी, उसे एक स्पेशल, एक एक्सेप्शनल केस बता सकें। और द्रौपदी की पॉलियंड्री को वो वैसे भी दरकिनार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो स्टोरी का मेन प्लॉट है। बाकी पॉलियंड्रस यूनियंस जैसे कि कुंती और माद्री को भी एक्सेप्शनल ही बताया गया है, जहां कुंती के यूनियन इमैक्युलेट कंसेप्शन से मेल खाते हैं, जहां डिवाइन यूनियन और डिवाइन प्रेगनेंसी हो, जैसे मदर मेरी की हुई थी। पांडु भी कुंती को कुछ ऐसी ही शिक्षा देते हैं श्वेत केतु की कहानी से, जहां श्वेत केतु, जो बाद में एक महान ऋषि बने, अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। एक दिन एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की माता जी को बल से जबरदस्ती अपने साथ ले गया। ये देख श्वेत केतु काफी गुस्सा हुए और रोकने की कोशिश की, तो श्वेत केतु के पिताजी ने उनसे कहा कि औरत और काउज यानी गायें की यही किस्मत है। श्वेत केतु ने फिर औरतों और मर्दों के लिए एक मॉरल बाउंड्री खींच दी, और तब से पांडु कुंती को बताते हैं कि फीमेल अडल्ट्री पाप है। अडल्ट्री यानी अपने पार्टनर पे चीट करना। बट एक मिनट, स्टोरी में तो औरत को जोर जबरदस्ती लेकर जा रहे थे, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी फीमेल अडल्ट्री पाप है, कैसे हो गया? क्लियरली ये स्टोरी ये साफ करना चाहती है कि द्रौपदी, कुंती, माद्री के जैसे पॉलियंड्रस यूनियन अब 5th century BCE की सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं थे। कि महाभारत 2 different टाइम पीरियड्स की मोरालिटी को दर्शाती है, ये इस बात से भी प्रूफ होता है कि एपिक में काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं, जहां एक जगह कुछ लिखा है और दूसरी जगह उसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा है। जैसे कि हिंसा अहिंसा की बात ले लीजिए, महाभारत की ओरिजिनल सूत्रधारों की स्टोरी काफी वायलेंट स्टोरी है, भाई भाई को मार रहा है, गुरु शिष्य को, एंड सो ऑन। पर जब ये लिखी जा रही थी तब अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल जैनिज्म से आ चुका था, और ये कॉन्ट्रडिक्शन महाभारत में भी झलकता है। जैसे कि अश्वमेधी का पर्व, जो कि महाभारत का 14वां पर्व है, उसमें लिखा है कि आदर्श योद्धा को एक हॉर्स सैक्रिफाइस यानी घोड़े की बलि, एक ऑल सैक्रिफाइस यानी काफ़ी सारे जानवरों की बलि, और एक ह्यूमन सैक्रिफाइस यानी नर बलि ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन 12वें यानी शांति पर्व में सैक्रिफाइस में अहिंसा को अच्छा माना गया है। महाभारत में ही 7 ऐसे वाइल्ड बीस्ट्स की लिस्ट है जिनको बलि के लिए उत्तम माना गया है, जिसमें से बुल, लायन, टाइगर और ह्यूमन मैन भी शामिल हैं।
इन सब रेफरेंसेस के साथ साथ महाभारत के बेसिक प्रेमाइस भाई को भाई मार रहा है अहिंसा के प्रिंसिपल के खिलाफ है। तो इसकी सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन 2nd century BCE से लेकर 2nd century CE के बीच ऐड हुई भगवत गीता। ये टाइम पीरियड 2nd century BCE से 2nd century CE इसलिए सजेस्टेड है क्योंकि इस समय पुराण लिखे जा रहे थे और पौराणिक भगवान विष्णु के कई अवतार भी उभर रहे थे, जिसमें से एक थे कृष्ण जो कि गीता के मेन कैरेक्टर हैं और काफ़ी हद तक महाभारत के भी। कृष्ण के ओरिजिन्स वृष्णि ट्राइब के भगवान से हुए, इसका काफ़ी डिटेल्ड वर्जन मैंने एक आर्टिकल में लिखा था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। गीता का सार इंसान इन जनरल और अर्जुन स्पेसिफिकली को वायलेंस का कर्ता ना बताकर विधि के विधान को पूरा करने के लिए भगवान को ही यानी भगवान कृष्ण को ही कर्ता बताते हैं। वायलेंस यहाँ फिर एक नेसेसरी ईविल बन जाता है, लेकिन गीता का सार अहिंसा भी है क्योंकि यहाँ सत्व को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है जिसका कोर नॉन वायलेंस ही है। डाइट से लेकर विचार तक सत्व वायलेंस से दूर है। तो गीता महाभारत की बेतरतीब हिंसा को बैलेंस आउट करती है अहिंसा का पाठ पढ़ाकर और काफ़ी हद तक महाभारत की हिंसा को जस्टिफाई भी करती है। ये कन्फ्यूज्ड मैसेजिंग महाभारत के कुछ और एग्जाम्पल से भी प्रूव हो जाती है, जैसे कि अर्जुन की सेलिबसी यानी उनका ब्रह्मचर्य। जब पांडवों को कौरवों ने द्युत क्रीड़ा यानी गेम ऑफ डाइस में हरा दिया तब उन्हें एज अ पनिशमेंट 13 वर्ष का वनवास करना पड़ा, जिसमें से 12 वर्ष अर्जुन ने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी। पर इन 12 सालों में अर्जुन ने उलूपी के साथ शादी की थी जो कि एक वाटर निम्फ थी और उसके साथ 3 साल भी रहे थे, लेकिन इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है और ना ही अर्जुन के ब्रह्मचर्य का सब्जेक्ट दोबारा उठाया जाता है जब तक कि कृष्ण उनसे सुभद्रा के बारे में ना पूछें। ये ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शंस काफ़ी कॉमन है महाभारत में, जिससे ना केवल ये बात पुख्ता हो जाती है कि महाभारत की ओरिजिनल ओरल स्टोरी और उसके रिटन वर्जन में सोसाइटी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी, बल्कि ये भी बात पता चलती है कि 5th century BCE से लेकर 4th century AD तक अगर किसी एपिक में एडिशंस, रीएडिशंस, डिलीशंस की जाएं, तो ऐसा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस जाहिर सी बात है। महाभारत का सबसे आखिरी एडिशन जो महाभारत का एक इंडेक्स के तौर पे ऐड हुआ है 4th century AD में, वो है हरिवंशा जो कि पौराणिक भगवान कृष्ण के बचपन का वर्णन है। 4th century AD कैसे पता चलता है? हरिवंश में रोमन दिनारी यानी रोमन करेंसी का जिक्र है जो 3rd-4th century में भारत और रोम के ट्रेड कॉन्टैक्ट से आई थी। ये काफ़ी दिलचस्प है कि कृष्ण पहले अपनी अडल्ट फॉर्म में दिखाई देते हैं महाभारत में और फिर अपनी चाइल्डहुड यानी बचपन फॉर्म में दिखाई देते हैं हरिवंश में, जिससे उनकी पौराणिक भगवान बनने की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक पे पढ़ सकते हैं। 9th century BCE से 4th century AD तक का ये लंबा सफ़र ही महाभारत की कहानी नहीं है। इसके बाद भी महाभारत को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, हर वर्जन में कुछ नए लोकल सोसाइटी के हिसाब से एडिशंस हुए और कुछ डिलीशंस भी। आज भी महाभारत पर काफ़ी नए टेक्स आते हैं, कुछ द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से तो कुछ दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से। इस पर बेस्ड कई आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस भी हुई हैं, जैसे कि बीबीलाल की हस्तिनापुर खोजने की हसरत जो कि कभी पूरी ना हुई क्योंकि जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें हस्तिनापुर की डिस्क्रिप्शन से मैच करता कुछ भी नहीं मिला, केवल मड ब्रिक हाउसेस। इंद्रप्रस्थ को खोजने की भी कोशिश हुई अंग्रेजों से लेकर अब तक, सिटी की डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता हार्डली ही कुछ मिला है। महाभारत को फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मान लेना उसकी शान में तौहीन है। महाभारत क्योंकि एक एपिक है शायद इसीलिए इतना इंटरेस्टिंग है। फैक्ट्स थोड़े बोरिंग होते हैं लेकिन फिक्शन बेहद इंटरेस्टिंग, इसीलिए महाभारत के आज इतने रेंडिशंस और पर्सपेक्टिव्स हैं। पर क्या महाभारत इतिहास यानी हिस्ट्री का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है? ऑफ कोर्स है,
लेकिन सोशल हिस्ट्री का, जैसे कि अधिकांश फिक्शनल सोर्सेस होती हैं। और महाभारत तो और भी खास है क्योंकि ये हमें एक काफ़ी बड़े अंतराल यानी 9th century BCE से लेकर 4th century AD तक की सोशल हिस्ट्री बताता है, और दो अलग अलग सोसाइटीज़ की भी। औरतों का स्टेटस क्या था, क्या हो गया, मैरिज इंस्टीट्यूशन क्या था और कैसे चेंज हुआ, कास्ट सिस्टम में क्या चेंजेस आए, डाइट्री प्रैक्टिसेस में क्या चेंजेस हुए, ये सब बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस महाभारत से बखूबी आंसर होते हैं अगर आप उसे अपने विश्वास नहीं बल्कि इतिहास की नज़र से देखें तो। तो ये था आज का एपिसोड। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको फिर से बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की वीडियो से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे अगले एपिसोड में किस इतिहास के विषय पर चर्चा करते देखना चाहते हैं।